हाय दोस्तों एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज मैं आपको पेपर के साथ एक कूल सा ट्रिक सिखाऊंगा, तो देख रहे हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शुभम चौधरी और आप देख रहे हैं। ये ट्रिक बहुत ही इजी है और फिर भी आपको इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा शायद, और शायद नहीं भी। इसके लिए आपको दो पेपर की ज़रूरत होगा। पेपर को आप कुछ इस तरह से कट कर दो ऐसे, और दोनों पेपर को कुछ इस तरह से आप जोड़ दो। ओके, कुछ इस तरह से आप दोनों पेपर को जोड़ दो। आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो और डबल साइड टेप भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप किसी भी एक पेपर को फोल्ड करोगे। ओके, उस फोल्ड को आपको कुछ इस तरह से करना होगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और याद रखना कि लास्ट वाला जो पोर्शन है वो ऐसे होना चाहिए। मतलब कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो ऐसे ना होकर ऐसे होना चाहिए। ओके, वो आपको बाद में हेल्प करेगा इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो। ओके, सिंपल। तो पेपर होने के बाद पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर है और ये पेपर आप इस पेपर के साथ आप मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करोगे। चलिए देखते हैं आप ट्रिक को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सबसे पहले ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आप पेपर को कुछ इस तरह से पकड़ते हो, मतलब कि ये वाला पोर्शन आपकी लेफ्ट हैंड में होता है और आप ऑडियंस को पेपर को कुछ इस तरह से दिखाते हो। ओके, उसके बाद आप ऐसे करते हो। ये वाला पोर्शन हमेशा ही ऐसे रहता है। ओके, फिर आप इसको ऐसे काट करते हो। ओके, उसके बाद आप हर एक पेपर को कुछ इस तरह से पकड़ते हो और ऐसे रोटेट करते हो। ओके, तो ये पोर्शन आपकी यहाँ पर रहता है और बाकी पोर्शन इस तरह से रहता है। उसके बाद आप पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हो। जब भी आप पेपर को फोल्ड करोगे उसी टाइम पे आप इसको ऐसे रोटेट कर देना, मतलब कि जो एक्स्ट्रा पेपर था वो सामने आ जाए। ओके, फिर एक बार मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड करता हूँ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर था वो सामने ले आता हूँ। जस्ट पेपर को ऐसे करके ऐसे रोटेट कर देना।
ऐसे करते वक्त, ओके। उसके बाद आप इस पेपर को ओपन कर दो और आपकी ट्रिक हो जाएगा। तो आप पेपर को कुछ इस तरह से ओपन करते हो, और आप ऑडियंस को दिखाते हो कि पेपर बिल्कुल ही रिस्टोर हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, लेकिन शायद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगा। अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो और ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूं और मेरे साथ-साथ आप लोगों को भी लेके चलूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।